हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गर्मियों की एक ख़ास ड्रिंक की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गन्ने का जूस बिना गन्ने का, बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही। गन्ने का जूस स्पेशली समर सीज़न में बच्चे हो या बड़े, सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस गन्ने के जूस को हम बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले जूस की तरह ही बनाएंगे, वो भी मिनटों में, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ किए बिना। तो और टेस्ट बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले गन्ने के जूस की तरह ही रहेगा। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए आज की मज़ेदार और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो गन्ने का जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आइस क्यूब 2 से 3, और थोड़े से हमने लिए हैं गुड़, 20 से 25 पुदीना की पत्ती, आधा चम्मच के बराबर काला नमक और 1 नींबू मीडियम साइज़ का। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे मिक्सर का जार और उसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को आप पहले से ही ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ से इसे तोड़ करके छोटा छोटा कर सकते हैं, जिससे ये बहुत ही जल्दी ग्राइंड हो जाएगा। तो गुड़ ऐड करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 गिलास के बराबर पानी। पानी और गुड़ की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कर सकते हो, कम या ज़्यादा, जितने लोगों को बनाना चाहते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 20 से 25 पुदीना की पत्ती और आधा चम्मच के बराबर काला नमक, और फिर 2 से 3 आइस क्यूब, जो हमारे जूस को बहुत ज़्यादा ठंडा बनाएगा। तो अब सभी चीज़ें ऐड हो गई, यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। ढक्कन लगा करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें बिल्कुल ग्राइंड हो गई हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट में मिलने वाला जूस की तरह एकदम झागे झागे हमारा जूस बनकर तैयार है। तो इसे हम अब छान लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल और लेंगे स्ट्रेनर। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप किसी सूती कपड़े से भी इसे स्ट्रेन कर सकते हैं। तो स्ट्रेनर की हेल्प से इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करने के बाद आप देख सकते हैं, जो भी बेकार पार्ट्स था वो निकल गया है और बिल्कुल झागी झागी सा हमारा गन्ने का जूस बनकर तैयार है। तो अब इस जूस में हम मिलाएंगे इसमें नींबू का रस, जिससे हमारे जूस में बहुत ज़्यादा खट्टा और अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम बिल्कुल मार्केट के स्टाइल में। नींबू का रस ऐड करने के बाद इसे हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें यूज़ होने वाली सभी चीज़ें हमारे हेल्थ के लिए स्पेशली समर सीज़न में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती हैं। तो फटाफट से बनने वाला बिना गन्ने का जूस हमारा बनकर रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। तो इतनी क्वांटिटी में कम से कम 2 लोग आराम से इसे पी सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे सर्विंग ग्लास में सर्व कर लिया है। सर्व करने से पहले भी आप आइस क्यूब डाल सकते हैं, या फिर सर्व करने के बाद भी आप अपने क्वांटिटी या फिर टेस्ट के अनुसार इसमें आइस क्यूब ऐड करके इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है हमारा एक बढ़िया हीट बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर बिना गन्ने का बना गन्ने का जूस तैयार है, जो बहुत ज़्यादा यम्मी और हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।